अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मेरा नाम नजीब गुलजार है और मैं कासिम अली फाउंडेशन में इस वक्त हाज़िर हूँ। बेसिकली तो असली तौर पर तो यहाँ कासिम अली शाह साहब को होना चाहिए, जो कि नॉर्मली यहाँ पे उनकी प्रेजेंस होती है और डिफरेंट टॉपिक्स पे वो डिस्कशन करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मेरा यहाँ आने का पर्पज़ थोड़ी सी अपनी एक हिस्ट्री को, एक अपनी जर्नी को शेयर करना है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को इस जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ यूडी लाहौर से, और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्व किया रफली 10 ईयर्स तक। इस पूरी जर्नी में मैंने सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत ही कंपनीज़, दोनों कंपनीज़ के साथ काम किया, लोकल कंपनीज़ के साथ भी और मल्टीनेशनल्स के साथ भी, और मोर देन 50 ब्रांड्स को मैंने, इंटरनेशनल ब्रांड्स को रिप्रेजेंट भी किया। पूरी अगर मैं जर्नी देखा जाए, मैंने इंजीनियरिंग के बाद अपने स्किल सेट को डाइवर्सिफाई किया और मैंने फिर उसके बाद ड्यूरिंग अपनी जॉब ही मैंने MBA किया LSE से, डबल मेजर्स मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, और उसी दौरान मुझे अपनी कंपनीज में मैनेजरियल शिफ्ट भी मिल चुका हुआ था। अगर मैं इस पूरी जर्नी को अगर 2-3 अल्फाज में अगर इसको इकट्ठा करूँ, तो मैंने ये किया कि मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद ना ही सिस्टम को ब्लेम किया, ना ही अपनी किस्मत को ब्लेम किया, ना ही टीचर्स को ब्लेम किया और ना ही गवर्नमेंट को ब्लेम किया। बिकॉज मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने हालात के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप लोगों की अपनी कहानी इंसान को खुद बनानी पड़ती है। तो मेरा भी यही था। अगर मैं अपनी फर्स्ट जॉब का अगर आपको हाल बताऊँ, लोग नॉर्मली अपनी इंजीनियरिंग के टेक्निकल स्किल्स से ज़रा सा हट के बात करना नहीं चाहते, बिकॉज उनको ड्यूरिंग इंजीनियरिंग ये सिखाया जाता है कि आप लोगों ने बड़े होकर R&D करनी है या बड़ी बड़ी टॉप मल्टीनेशनल्स को ज्वाइन करके बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप जॉब मार्केट में निकलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को R&D की रिलेटिवली कम अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं और आपको बहुत सी डिफरेंट स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके ज़रिए से आप अपने करियर में अच्छी एक राह का तयन कर सकते हैं। मैंने इनिशियली सेल्स और मार्केटिंग को चूज़ किया बिकॉज मुझे लगता था कि ये फील्ड मेरे लिए बनी है। अगर मैं अपनी फर्स्ट जॉब का फर्स्ट डे का आपको बताऊं कि मैं टाई लगा के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसका पूरा बैकग्राउंड टॉपर्स में से रहा, UT लाहौर में एडमिशन जब लिया टॉपर्स में से था, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया FSC की, टॉपर्स में से था, उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग को चूज़ करना शायद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होगा, बिकॉज उसको लगता है कि मैं टॉपर हूँ, आई डिज़र्व द बेस्ट। लेकिन इंसान को अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है, मार्केट कभी भी इंसान के हालात के लिहाज से फ्लेक्सिबल नहीं होती। मैंने देखा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और ना मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बंदा नहीं था ड्यूरिंग इंजीनियरिंग। जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया, मैं टाई लगा के कमर्शियल साइट्स पे जाता था और वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करता था और अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता था। ऐसा ऐसा ग्रेजुअली मैंने देखा कि मुझ में वो स्किल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक अच्छे सेल्स के बंदे को चाहिए होती हैं, बिकॉज मेरे पास टेक्निकल नॉलेज भी था और स्किल्स और मार्केटिंग के स्किल्स भी मैं एक्वायर कर रहा था। जो ही मैं आगे गया, मुझे ऐसा सा मुझे नज़र आया कि मेरी वर्थ बढ़ती गई और मैंने फिर इवेंचुअली एक टॉप मल्टीनेशनल को ज्वाइन किया जिसका नाम सीमेंस था, और सीमेंस में मैंने आई सोल्ड एवरीथिंग लाइक जो चीज़ मुझे पकड़ा दो, जस्ट छोटे से ट्रांसफॉर्मर से लेके बड़े ट्रांसफॉर्मर से लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने की। लेकिन मैंने एक चीज़ को कभी भी अपने सामने हाइल नहीं होने दिया, वो थी मेरी ईगो। मैंने अपने आप को तमाम हालात के लिहाज से फ्लेक्सिबल बनाया और जो जो स्किल्स मैं एक्वायर कर सकता था ड्यूरिंग अपनी जॉब, वो मैंने हासिल किए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरा भी मार्केट में थोड़ा सा नाम हो रहा था कि वहीं एक और बड़े एम्प्लॉयर ने मुझे अप्रोच किया और जिस सैलरी पे मैं काम कर रहा था उसे 3 times मुझे ज़्यादा सैलरी पे उन्होंने मुझे हायर कर लिया, और मेरे विदाउट मैनेजरियल एक्सपीरियंस, मेरे टेक्निकल स्किल्स, मेरे कमर्शियल स्किल्स को यूज़ करते हुए मुझे रीजनल हेड की पोजीशन दे दी गई। और वहाँ पे भी मैंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की, सेल्स की, बिजनेस डेवलपमेंट की, टेक्निकल प्रेजेंटेशंस की और बहुत सी डिफरेंट, इसके अलावा जॉब के अलावा भी डिफरेंट मैंने वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करता रहा, ताकि आप जैसे दोस्त जो कि लोग डिफरेंट अपनी, जिनको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं पता अपने करियर में, उनको थोड़ा सा एक गाइड कर सके, इंस्पायर नहीं, थोड़ा सा गाइड ही करना पसंद करते हैं। फिर मैंने जब एम्प्लॉयर के साथ डिफरेंट काम किया, रफली 8 years के करीब मैंने सर्व किया, उसमें डिफरेंट एक्सपर्टीज़ मैंने गेन की। फिर एक दिन आया जब मैंने फैसला किया, स्पेशली जब MBA मैंने कर लिया, MBA के बाद मुझे बहुत क्लियर डायरेक्शन होगी कि MBA का KPI यही होना चाहिए कि यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी तरह ही स्टार्ट लिया।
जो कॉन्टेक्स्ट थे, जो प्रोडक्ट नॉलेज थी, जो कि प्रिंसिपल्स के साथ मैं अलाइंड था, जो मार्केट नॉलेज अवेलेबल थी मेरे पास, उसी को यूज़ करते हुए मैंने अपना स्टार्टअप क्रिएट किया। मेरी इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका नाम जेंट सर्किट है। जेंट सर्किट में मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ हम लोगों के परमानेंट और बाकी सारे प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें हम वर्ल्ड नेशन वाइड हम लोग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और टेक्निकल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के। यहाँ पे आने का एक पर्पज़ ये भी है कि वो तमाम इंजीनियर्स जिनको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि करियर में क्या करना है, कहाँ पे जाना है, और हमेशा अपने हालात के लिए हर सिस्टम को ब्लेम करते रहते हैं। मैं आप लोगों के पास दो तीन टिप्स लेके आया हूँ, उम्मीद करता हूँ शायद इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नंबर वन, हमेशा अपने स्किल सेट को डाइवर्सिफाई करें। ये ज़माना ऐसा है कि आप सिर्फ एक मेजर्स के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट हैं, दे रिक्वायर मोर देन योर टेक्निकल स्किल्स। उनमें आपके कॉन्फिडेंस स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, आपके पर्सनल स्किल्स, आपके जितने भी स्किल्स हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ना कि आपके टेक्निकल स्किल्स। तो तमाम इंजीनियर्स जो कि अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप बाय द टाइम आप लोगों की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो, बजाय इसके कि मार्केट आपको सिखाए, आप अपने आप को खुद ही फ्लेक्सिबल बना लें और जो एडिशनल स्किल सेट हैं जिनकी आप मार्केट में ज़रूरत है उन पर फोकस करें। मैं एकेडमिया पर ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बिकॉज वहाँ से हम लोग ने भी इंजीनियरिंग की है और वहाँ से अभी भी लोग बहुत से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन गैप बहुत एग्जिस्ट करता है आपके एकेडमिया और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में, और हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम इस गैप को एलिमिनेट करें। डिफरेंट वर्कशॉप्स मैं कंडक्ट करता हूँ यूटी लाहौर में भी, और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि इस गैप को किसी तरीके से रिड्यूस करके बच्चों को वो प्रैक्टिकल नॉलेज ट्रांसफर किया जाए जिसके ज़रिए से वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकें। नंबर टू, जो पाकिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं सीपैक में। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ 62 बिलियन US डॉलर्स, जिसमें आपके मेजर प्रोजेक्ट्स आपके अंडर कम्प्लीशन में हैं और मेजर आगे फर्दर कम्प्लीशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सी मिसकंसेप्शन एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में और इवन एजुकेशनल सेक्टर पर भी कि लोग सीपैक को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और अभी तक यही बातें कर रहे हैं कि सीपैक में गवर्नमेंट में खुदा ना खासा गवर्नमेंट में पाकिस्तान को बेच दिया, या इसमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हो चुके हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। ये तमाम तर मिथ्स हैं। मैं तमाम एजुकेटेड, क्योंकि मैं इस वक्त एजुकेटेड सेक्टर से मुखातिब हूँ, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा और थोड़ा सा इसमें R&D के बाद आपको नज़र आएगा कि एग्रीमेंट्स जैसे भी हैं लॉन्ग टर्म पे पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट एग्जिस्ट करते हैं कि अभी अगर आप लोगों ने इसे बेनिफिट ना लिया, फ्यूचर में शायद इसमें भी आप ब्लेम कर रहे होंगे गवर्नमेंट में ने हमारे साथ सही सलूक नहीं किया। उसमें सबसे ज़्यादा मैं एम्फोसिस करूँगा चाइनीज़ लैंग्वेज पे भी, बिकॉज चाइनीज़ के साथ काम करने के लिए आपको चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। उसमें आपकी डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आप लोगों के आप मैकेनिक लेवल के लोग, इलेक्ट्रिशियंस लेवल के लोग, ऑटोकैड ऑपरेटर्स चाहिए, मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, आपके पास परचेजर्स चाहिए, आपके पास टेक्निकल रिक्रूटर्स चाहिए, ये तमाम तरह की पोजीशन वहाँ पे आएंगी। पर प्लस इसके साथ एसोसिएटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को बूम नज़र आएगा। तो बात यह है कि इनिशियली आपको लग रहा है कि सीपैक का फोकस सिर्फ और सिर्फ रेलवेज़ पे है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे है, आप लोगों की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे है, या बाकी आपकी जो डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं उन पे है, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी काम हो रहा है। लेकिन हर शख्स, हर इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि तमाम प्रोजेक्ट्स में हमारा ड्यू शेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और ड्यू शेयर तभी एग्जिस्ट करेगा जब आप लोग अपने स्किल सेट को अपग्रेड करेंगे। नंबर थ्री, दो बातें हो गई, रिपीट कर देता हूँ। नंबर वन, अपने स्किल सेट को अपग्रेड करें और डिवर्सिफाई करें। नंबर टू, चाइनीज़ लैंग्वेज। और सबसे नंबर थ्री, थर्ड पॉइंट पर हम इसको कंक्लूड करेंगे, वो तमाम मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं वाकई उनसे, उनको नसीहत नहीं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी रेज्यूमेज लेके एम्प्लॉयर के सामने अपनी ईगो को हर्ट करना छोड़ दें। अगर कोई भी शख्स इस मुल्क में जॉबलेस है, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, किसी को ब्लेम ना दें। हर शख्स की एक मार्केट एग्जिस्ट करती है, हर शख्स की कुछ स्ट्रेंथ्स एग्जिस्ट करती हैं इसी मार्केट में, उस स्ट्रेंथ को आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है। मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि जिस एम्प्लॉयर के पास आप अपनी रेज्यूमेज लेके जाते हैं, कितना ही अच्छा हो कि अगर वो आपको रिजेक्ट कर दे, आप बैग में से दूसरी एक फाइल निकालें और कहें कि सर आपको मेरी रेज्यूमे पसंद नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये मेरी कंपनी प्रोफाइल ले लें, आपके साथ मैं वेंडर रजिस्टर्ड होना चाह रहा हूँ, जस्ट गिव मी एनी प्रोडक्ट, कोई एक चीज़ दे दें, मैं उस ऑर्डर को फुलफिल करना चाह रहा हूँ, आपके एंटरप्रेन्योरशिप का करियर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज चीज़ें बेचने में क्या है, आपको एक प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में एक रस्सी बांधनी, जहाँ वो कनेक्शन बिल्डअप हो गया आपका बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो सकता है। और आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, एक मिथ एग्जिस्ट करती है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके माइंड पे एग्जिस्ट करती है,
इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ आपको पता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज अपने स्किल सेट को यूटिलाइज करके कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. आपने सिर्फ कनेक्शन को बिल्डअप करना है. आपको बड़ा सा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है. स्मार्ट वर्किंग में बिलीव करना पड़ेगा. आपको किसी की प्रोडक्ट को किसी को बेच सकते हैं. यू कैन अर्न योर प्रॉफिट, ड्यू प्रॉफिट. इसको कमीशन नहीं कहते. आप उसको रजिस्टर फर्म के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हैं. आप इंपोर्टर बन सकते हैं. आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं. और आखिरी बात मैं कहूँगा कि मैंने जब अपना स्टार्टअप जब जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, इनिशियली मैंने सर्विस प्रोवाइड की थी. मैं सर्विस प्रोवाइड करता था, डिफरेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज देता था. वहाँ से मैं मैन्युफैक्चरर बना. डिफरेंट इलेक्ट्रिकल आइटम्स की मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और फिर उस मैन्युफैक्चरिंग से ही मैं फिर एक कमर्शियल इंपोर्टर बन गया. सो दैट्स ऑल. बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग ना अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ करें और जो खुदा पे यकीन रखें, इंशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है. इंजीनियर्स जितना इस पाकिस्तान में अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम. ये तमाम जो मेरी छोटी सी टिप्स मैंने दी हैं, इस पर थोड़ा सा आप अमल स्टार्ट करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया.